नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। 11 से 13 अप्रैल ये 2021 के G7 सम्मेलन का कैलेंडर है। G7 एक तरह का क्लब है, एकदम पॉश एलीट, दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर या यूं कहें कि मुखिया देश इसके मेंबर है। जब मुखिया देश इसके मेंबर है तो फिर चीन इसका हिस्सा क्यों नहीं। ऐसे ही कुछ दिलचस्प बातें हम आपको बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। G7 के मेंबर साल में एक बार मिलते हैं, अहम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। इस साल ये ब्रिटेन के कार्नवाल में हो रहा है। नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इसमें शामिल हुए। वैसे तो इस ग्रुप में भारत शामिल नहीं है, मगर इस साल हमें G7 की तरफ से खास न्योता भेजा गया है। क्या है G7? इसका पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 7, दुनिया के 7 सबसे इंडस्ट्रियल देशों का संगठन। ये देश है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा। पहले इसमें रूस भी था, तब था ये ग्रुप ऑफ 8। फिर हुआ ये कि रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से छीनकर खुद में मिला लिया। इससे बाकी देश नाराज हो गए, उन्होंने 2014 में रूस को निकाल बाहर किया। G7 का इतिहास क्या है? साल 1975 में 6 देश जुटे, अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली। तब कोल्ड वार का टाइम था, दुनिया में कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट की लड़ाई थी। ये 6 देश कैपिटलिज्म वाले थे। इन्होंने कहा हम ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाकर अपने खाते बही कारखानों पर बातचीत करेंगे। पॉलिटिक्स और सुरक्षा पर भी बात करना तय हुआ। इनको देखकर फिर अगले साल यानी 1976 में कनाडा भी साथ आ गया। फिर 1991 में सोवियत टूट गया, आधा आधा बटे दो, जर्मनी यानी ईस्ट और वेस्ट साथ मिलकर दोबारा पूरे हो गए। सोवियत टूटने के 7वें साल यानी 1998 में रूस आकर इस ग्रुप से जुड़ गया और इस तरह पहले G6, फिर G7 और फिर G8 होता गया ये ग्रुप। चीन इसका हिस्सा क्यों नहीं? सबसे बड़े देश G7 का हिस्सा है, ऐसे में सवाल ये है कि तो फिर चीन इसका हिस्सा क्यों नहीं है, जबकि चीन दुनिया में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, इतने कल कारखाने हैं वहाँ, तो फिर वो क्यों नहीं है इस ग्रुप में। चीन वैसे तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, मगर आबादी के हिसाब से उसकी दौलत बांटें तो वो उतनी विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, जबकि G7 एडवांस अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक ग्रुप है। हालांकि जब इसमें रूस को लाया गया था तब वो काफी बेहाल था, मगर तब उसे शामिल करना अमेरिका की रणनीति थी। बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे, उन्हें लगा कि पोस्ट सोवियत के दौरान रूस को ट्रैक पर रखने में मदद मिलेगी। रूस को वेस्ट के साथ जोड़ने, इन देशों के हितों के साथ रूस की सिलाई बुनाई करने में सही रहेगा। भारत को संगठन में शामिल करने की बात हो रही है। भारत भी G7 में शामिल नहीं हो सका, लेकिन अब उसकी ग्लोबल पहचान बढ़ी है और विदेशों से संबंध भी बेहतर हुए हैं। यही कारण है कि भारत को इस साल गेस्ट नेशन के तौर पर सम्मेलन में बुलाया गया। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी गेस्ट देशों की तरह आमंत्रित किया गया है। सबसे पहली बार भारत ने साल 2019 में गेस्ट के तौर पर इसमें हिस्सा लिया था, तब फ्रांस में ये सम्मेलन हुआ था और वहाँ से देश को बुलावा आया था। बीते साल अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी इस संगठन से जोड़ने की अपील की थी। उनका कहना था कि भारत एक ताकतवर और प्रभावशाली देश के तौर पर एशिया में उभरा है, ऐसे में इसे इसका सदस्य अवश्य होना चाहिए। सात देशों के इस अनौपचारिक समूह, अनौपचारिक इसलिए क्योंकि नेटो की तरह इसका कोई कानूनी या वैधानिक आधार नहीं है और ये ग्रुप 40% GDP और 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।